और इस वक्त बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा रुख। पार्टी ने संसद के दोनों सदन में अपनी पार्टी के नेताओं व सांसदों को ये निर्देशित किया है कि वे दोनों सदन में संसद के नियमों के तहत चलकर देश, राष्ट्रहित व जनहित के मुद्दों को पूरी तैयारी व दमदारी के साथ जरूर उठाएं। वैसे संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में जनहित व देश हित के अनेकों ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश भर की पीड़ित जनता केंद्र सरकार की जवाबदेही चाहती है और जिन पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट व गंभीर होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। जनता की यही चाहत व समय की मांग भी है और इस मामले में खासकर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से दिल्ली सीमा पर व अन्य और स्थानों पर भी पूरे जी जान से आंदोलित किसानों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता अति दुखद है तथा इनकी मांगों के संबंध में केंद्र को संवेदनशील होकर गंभीर व संवेदनशील होकर काम करने के लिए इन पर अब संसद में हर प्रकार का दबाव बनाना अत्यंत जरूरी है। साथ ही केंद्र सरकार की गलत आर्थिक व अन्य नीतियों एवं कार्यकलापों आदि से देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच खासकर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से व महंगाई के आसमान छूने से भी अब लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतें व मुश्किलें आदि खड़ी हो गई हैं। इस पर भी केंद्र सरकार की लापरवाही से जनता काफ़ी त्रस्त है। इतना ही नहीं बल्कि देश में कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद व तेज़ गति से टीकाकरण आदि के संबंध में भी सरकार ने घोषणाओं की बाड़ तो खूब लगा दी है किंतु उन पर सही से अमल नहीं होने से भी देश की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये भी अति गंभीर व चिंता की बात है। बीएसपी के सांसद इन सभी खास मुद्दों को गंभीरता से उठाने के साथ ही अन्य और भी जनहित व राष्ट्रहित के ज़रूरी मुद्दों पर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी बात संसद में ज़रूर रखें। ये इनको पार्टी का निर्देश भी है। इसके अलावा जहां तक आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश का सवाल है तो यहां की जनता वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार की खराब कानून व्यवस्था व इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। ये सब आप लोगों को मालूम है। हालांकि इस मामले में मुझे उत्तर प्रदेश के खासकर दलित वर्ग के लोगों के ऊपर नाज है, गर्व है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो बीजेपी और अन्य सभी पार्टियों ने किस्म किस्म के लालच देकर इनको खिचड़ी भी खिलाई, इनके घरों में भी गए, खाना खाया, इनके साथ कांग्रेस के नेता
वो सर के ऊपर तसला रखकर वो मिट्टी और वो रोज मिट्टी या अन्य और सामान जो है तो वो भी लेकर खूब घूमे। बीजेपी ने खूब खिचड़ी खिलाई उनको, तो हमारे लोगों ने बोला खिलाओ जाओ खिचड़ी, खिचड़ी भी खाई। खूब इनके बीच में नाटकबाजी की, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, दलितों के बीच में गए, पैसा भी बहुत फेंका लोग बताते हैं, लालच दिया इनको, और मीडिया के माध्यम से खूब इनके वो खिचड़ी भी इनको खिलाई, अपने साथ बैठाकर खुद भी खाई, इनको भी खिलाई। मतलब चाहे अपने घर से ही खिचड़ी बनाकर क्यों ना ले गए हों, दलितों के हाथ की बनी खिचड़ी इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो लेकिन खिचड़ी भी खूब खाई। यही नाटक बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी खूब किया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि अभी तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे पिछला विधानसभा का आम चुनाव हुआ है, तो ये लोग इनके बहकावे में नहीं आए, बीजेपी के, कांग्रेस के, अन्य किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आए, और एक तरफा अपना वोट इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दिया। इसीलिए बीएसपी का जो हमारी चाहे सीटें कम थी पिछली बार विधानसभा के आम चुनाव में, सीटें जरूर कम हुई, लेकिन वोट का प्रतिशत हमारा कम नहीं हुआ, हमारा वोट का प्रतिशत समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा था, लेकिन ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए, इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ ये सब आप लोगों को मालूम है, कितनी जाति इनके साथ हो रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना, ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के लोग इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का, फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को, फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है, और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे, और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे, और अटल रहकर जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े, हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया तन मन धन से पूरा, लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने हितों का, हमने इनके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा, लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए, दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए, तो बहुत इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए, कितनी यात्राएं निकाली इन्होंने,
तो रथ भी कई निकाले इन्होंने, बहुत नाटकबाजी की, लेकिन मुझे अपने दलित वर्गों के ऊपर पूरा नाज है, दिल से नाज है, गर्व भी है कि ये लोग टस से मस नहीं हुए और बीएसपी के साथ खड़े रहे। तो मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले, कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया, कितना आजमाओगे। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए और दलितों से प्रेरणा लेकर, चाहे कितना भी इनको लालच दे दें ब्राह्मण समाज को, कितना भी बहकाने की कोशिश करें, जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बीएसपी ने राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र 23 जुलाई को अयोध्या से करने जा रहे हैं। इसके बाद राज्य के सभी जिलों में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करेगी। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले वक्त में है, ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे, कई बातें उन्होंने कही और संसद में किन मुद्दों को उनके जरिए उठाया जाएगा ये भी उनके जरिए यहाँ पर कहा गया है।